चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। असाम विच श्री श्री शंकर देव संतरा मंदिर दे विच जाण दी इजाजत ना मिलने तो बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री मोदी यह फैसला करनगे कि कौन मंदिर विच जावेगा। बरगाव च अधिकारियों ने राहुल गांधी नू बरदुआ च श्री श्री शंकर देव सत्रा मंदिर दे विच जाण दी इजाजत नहीं दिती। इस तो बाद कांग्रेस दे साबका प्रधान समेत कई पार्टी आगुआ ने धरना दिता। राहुल गांधी समेत होर कांग्रसी आगुआ नू जान नहीं दिता गया, उन्हां नू रोक लिता गया। साबका कांग्रेस प्रधान सोमवार नू अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू करन तो पहला एक स्थानक देवता दी पूजा करना चाहुंदे सन। अधिकारियों ने राहुल गांधी नू मंदिर च दाखल नहीं होण दिता, जिस कारण कांग्रेस दियां महिला नेतावां ने विरोध किया। बाद विच गांधी भी उन्हां दे विरोध विच शामिल हो गए। इस मौके राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हुण यह तय करनगे कि मंदिर च कौन अते कदों जावेगा। मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है हमें। अभी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है। What time have I committed not to go to मंदिर? मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं बताइए, नहीं नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने क्या, मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, मैंने आप मुझसे बात कीजिए, आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं हाथ मैं वहाँ हाथ छोड़ना चाहता हूँ, आपको 3 बजे मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ छोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया, हम एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में है, इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे, बुला लीजिए उनको। नहीं अब देख रहे, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं, शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। राहुल जी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं और स्थानीय विधायक का बोडवा खान गए, वहाँ पे हम दोनों ने प्रार्थना की राहुल गांधी जी को जो शांति और सद्भावना की जो आशाएं हैं, वो सद्भावना और शांति की आशा हमने अपनी प्रार्थना में व्यक्त की। बोडवा खान में जितने भी पुजारी उस वक्त वहाँ पे थे, वे सभी पुजारियों ने कहा कि हमारी आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है। हमने पुजारी महाराजों को बताया कि राहुल जी स्वयं आना चाहते थे, लेकिन उनको बोला गया कि बोडवा खान में सरकार पहले से ही कुछ आयोजित कार्यक्रम कर रही है और कुछ अशांति का वातावरण हो सकता है, लेकिन जब हमने वहाँ पे हम गए तो लगभग 10 बजे तक वहाँ पे किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल शांति है, बिल्कुल एकांत है। तो एक अफवाह, एक झूठ फैलाया गया प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, भीड़ को लेके, ये झूठ सीधा सीधा मुख्यमंत्री के तरफ से आया है। आज उन्होंने बोडवा खान के इतिहास में एक काला दाग डाल दिया है। आज उन्होंने अपने इस अफवाह से हेमंत शंकर देव की संस्कृति पर एक काला दाग लगाया है। हम वहाँ से निकलते हुए एक महिला पुजारी ने कहा कि ये गामुसा बोडवा खान की गामुसा आप राहुल गांधी जी को दीजिए, वही आकर हमने राहुल गांधी जी को बोडवा खान की निशानी की तरफ से सौंपा। पुजारियों ने कहा कि वे अपने प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात जो भी उनका प्रसाद है वो राहुल गांधी जी को पहुंचा देंगे। चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।